अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द साइड ऑफ IPL 2024। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। सालों के अत्याचारी मुजरे के बाद प्लेयर्स ने फाइनली उठाई आवाज। डांस नहीं कर पाऊंगा। पर IPL का तो एक ही मतलब है, बॉल बल्ला और बल्ले 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 बल्ले। हम प्लेयर्स की सुन लेंगे। ओ धोनी, आप भी चलो नाचो। ऑनलाइन ट्रांसफर अब करना है क्यों? प्लेयर को ऐसे ही पैसे देना शुरू कर दो। सचिन और सहवाग, ये हैं आजकल के प्लेयर, कुछ सीख मत लेना इनसे, हमारे टाइम के लेजेंड से सीखो। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा? खींच लिया। अरे गावस्कर साहब ने बोला लेकर इतना भी नहीं फॉलो करना था लेजेंड को। अब क्या है? ओ सॉरी। अरे मैडम, ये हमारा घर है। मेरा है। अच्छा, सड़क पे सोएंगे? ये पकड़ने से अच्छा तो अपने दोस्त का पिछवाड़ा ही पकड़ लेता। हमारे जनरेशन का एक ही फोकस, बॉल और बल्ला। नई जनरेशन का भी एक ही फोकस है, बॉल बल्ला और बल्ले बल्ले। हर जनरेशन का अलग है अंदाज। ये कौन सा बल्ले बल्ले होता है? इतने प्लेयर्स ने इस एड के लिए ना बोला होगा कि 45 इयर्स प्लस के प्लेयर को नई जनरेशन के स्कूल के बच्चे क्या देख रहे होंगे? बेटा फोकस ऑन योर स्टडीज। नई जनरेशन का भी एक ही फोकस है, बॉल बल्ला और बल्ले बल्ले। हर जनरेशन इमेजिन पार्टी में आप अपनी महंगे कोट में हाथ डाल रहे हो। लड़की सोच रही है फरारी की चाबी निकलेगी। निकला कमला पसंद। ओ सॉरी, अब तो ऑटो चलाते हो। कपिल देव और क्रिस गेल को भी गुटखा खिला दिया। लेजेंड से ले झंड, गेल को गुटखा समझाया भी कैसे होगा? इट्स लाइक अ माउथ केचप, लाइक स्विस चॉकलेट, दिस इज कानपुर चॉकलेट। यू ब्लशिंग रेड चीक्स, what from inside? वो वेस्ट इंडीज जाके सबको खिला रहा है। Try this Indian chocolate, guys. Indian chocolate. Yeah, it's Indian. Special. पूरा करीबियन गुटकेबाज। अरे ओरिगानो समझ के पिज्जा पे डाल देंगे। ये इन प्लेयर्स की इज्जत पानी में गई। काश घर पे बना करेला भी मैं ऐसे ही VFX से खा पाता। ये रूप के स्वाद का एक है रंग लाल, इसके बाद पूरे देश का भी एक ही रंग। इन्हीं के महंगे घरों के दीवारों पे कोई थूक देगा तो ये चिल्लाएंगे, पर एड में अनोखा स्वाद। किसकी डाइट फॉलो कर रहा है? रोनाल्डो मेसी की प्रोटीन। और तू? कौन सा अभी का प्लेयर है जो फ्यूचर में जाके गुटखा बेच सकता है? कृणाल पांड्या। अरे वो दिखते भी अजय देवगन जैसे। नहीं बोला उसने, बोला वो ब्लू शर्ट वाले लड़की ने, उसको गाली दे। अब हर IPL की तरह इस बार भी जबरदस्ती का डांस। इनके स्टैट्स में आएगा मैचेस प्लेड जीरो, ठुमके फाइव। तो कितने करोड़ खिलाए पांड्या को कैप्टन बनाने पे जनता ने दी कितनी गाली। अर्जुन तेंदुलकर यहाँ भी पापा पापा। फ्रंट फुट बैक फुट। और पूरे सीजन नाचने के बाद जब इनकी पेमेंट अटक जाए, पैसा देगा या पिटेगा तू? अभी के अभी जैसे पाद के साथ एक पकोड़ा भी निकल गया। कुकिंग भी वड़ा पाव वाली का कॉम्पिटिशन मिल गया गाइस। कम ऑन,
हमारे नकली फॉलोअर है क्या? तो 500,000 है। अरे भाई सबके सामने अपनी ही टीम की धोती नहीं खोलते। डांस हो गया तो वही से फॉरेनर से हिंदी बुलवा ली। सब फर्स्ट हो गए और क्या आ गए IPL की सालानी आ गई। मैं जल्दी जल्दी हिंदी आ गए। कैशलेस कार इंश्योरेंस चाहिए? नहीं चाहिए, बस चाहिए। प्लेयर्स भी अब एड से पक चुके हैं। और ग्राउंड पे जाता हूँ तो टाइम बढ़ा। वासी निकल ना जाए इसलिए मुंह को ऐसे दबा रखा है। जब ग्रुप प्रोजेक्ट हो पर उसके मार्क्स काउंट नहीं होने वाले। आजकल इकोनॉमी रेट के चर्चे तो कूल फैंस के हैं। कूल फैंस आर रियली वेरी स्टाइलिश। इनको एक ही लाइन दी क्योंकि उतने में इनका मेमोरी कार्ड फुल हो गया। कूल फैंस बदल रहे हैं। कूल फैंस आर रियली वेरी स्टाइलिश। जैसे कूल फैंस का सीईओ तलवार लेके खड़ा है पीछे। कूल फैंस आर रियली वेरी स्टाइलिश। खुद भी पता है पंखा नहीं बिकना मेरी एक्टिंग से। यार मेरा हो गया। अरे बट सुन, कूल फैंस आर रियली वेरी स्टाइलिश। तुझे मारता पहले रुक। इनके एड्स में कोई लॉजिक नहीं है। जिसको हिंदी का एक वर्ड नहीं आता उससे मैच में बाउंड्री ब्लॉक करने के लिए रेडी पुल ऑन। और हाँ विल्सन रेस उसे कौन ब्लॉक करेगा? ये हर दिल लगा उसी कौन ब्लॉक करेगा? Me when watching Russian movie without subtitle. Hot star. भाई मुझे माँ से इतना लाड नहीं मिला जितना इस नल को मिल रहा है। नल से जल रहा हूँ यार मैं। छी इमरान हाशमी जैसे हीरोइन को छूते हैं ये नल बेसिन को छू रहे हैं। अरे गरम करने के लिए गीजर होगा बाथरूम में। आप क्यों माहौल से गर्मी पैदा कर रहे हो? नल का मूड नहीं बनाना पड़ता गर्म पानी के लिए। का पानी निकालने का तरीका बड़ा कैजुअल है। अरे मैं वो लाइट की स्विच किधर है? वो ढूंढ रहा हूँ। अच्छा होनी थी। थैंक्स थैंक्स यार थैंक्स। Legends of RCB carry their support system everywhere. I mean this support system. Wow. Guess I'll do the same. Chalo boys. हाँ टेबल के ऊपर तो कभी रहते नहीं तो नीचे जमीन पे सोने के लिए गद्दा तो डालना पड़ेगा ना। इन प्लेयर्स को सिर्फ मैच में ड्रिंक्स और एड में गद्दा उठाने के लिए लिया है। अब समझाई विराट भाई का रिकमेंडेड मैट्रेस क्यों है। हाँ हाँ विराट कोहली तो गद्दे ही रिकमेंड करते फिरते हैं सबको। सही कहते हैं ग्रेट स्लीप मिलेगी तो हेल्थ भी ग्रेट रहेगी और नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस भी ग्रेट ही होगा ना। क्या क्या और नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस भी ग्रेट ही होगा ना। परफॉर्मेंस वो भी ग्रेट। भाई आरसीबी की परफॉर्मेंस इस गद्दे पे ऐसा सोई है कि आज तक उठ नहीं पाई है। भाई साहब अपना एक गद्दा भिजवा देना जलाना है। भाई टीम देख के तो ऐड लिखो जैसे गुड ड्राइविंग प्रमोट करने के लिए सलमान भाई को ले लिया। फील्ड पे हगते हैं तो टॉयलेट का ऐड, फील्ड पे सोते हैं तो गद्दे का ऐड। हम फैंस के लिए जहर का ऐड करना रह गया बस। एटलीस्ट वो काम तो आएगा हमें। पेमेंट 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 भैया पेमेंट आओ। आप कोई भी नंबर पे पे कर लो भाई। कोई भी नंबर पे पे कर लो। क्यों कॉन्ट्री करके ट्रॉफी खरीदने वाले हो? नहीं है बन भी नहीं सकते। अगले ऑक्शन में अच्छे प्लेयर्स अफोर्ड कर पाने के लिए लास्ट ऑप्शन। Have you been experiencing heartburn, shortness of breath and chest pain? Yes, 15 साल से। It could be due to stress. जो RCB ने ही दिया है। Pimp answer, एक सेल्फी तो बनता है। लावा का स्मार्टफोन? हाँ। लावा का स्मार्टफोन उठाओ और मोचो को दो दबाओ। चल, अब फिर से ले सकते हैं। पर इसकी तो मूछ है नहीं। मूछों को दो दबाओ। साफ की नहीं है। ठीक है 6 दिन उगा के आता हूँ घर से। मुझे तो एक महीना लगता है उगाने में। पर्सनल हो रहा है। हम लड़कियाँ तो सेल्फी ले नहीं सकती। फिर बस उसे कह प्लीज टेक अ सेल्फी जस्ट वन पिक्चर ले लो। अरे बट पहले अपनी मूछों को दो ताओ। मेरी मूछें थोड़ी सी है मूछ ले लो। और अब हुसैन नहीं मिथाली राज इंडियन वुमेन्स टीम की लेजेंड एक्स कैप्टन लोगों के घरों में घुस के टॉयलेट्स का रिव्यू ले रही है। टॉयलेट इतना पीला PRS लाइन डिटर्जेंट से टॉयलेट का पीला बन जाता है। टॉयलेट रिव्यू सिस्टम डिसीजन आउट। लाइन निशाना इज 100% मिसिंग 5 फ्रेम्स बैक। व्हाट इज ही डूइंग? विकेट यू हैव टू हिट द पिच। द बॉल इज आउटसाइड द पिच।
इम्पैक्ट इन नॉन बाउंड्री आंटी यू आर ऑन स्क्रीन द डिसीजन इज आउट घर से आउट इडली हो जाती ना एंटी बैक्टीरियल अरे समोसा खा ले नो बैक्टीरिया भाई और चटनी अरे दिस इज ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल चेन भाई इट्स अ थाईलैंड सारा के साथ कभी झगड़ा करना हो ना तो टाइल्स पे खाना खिला देना उसको गिल भाई और ये खाने का प्लेट निकल ही नहीं रहा इसका अबे पागल हमारे घर पे प्लेट को प्लेट ही बोलते हैं टाइल पे नहीं खाते हम है तो बाकी कंपनीज के पास तो चेन्नई प्लेयर्स का बजट ही नहीं है नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा भाई इसको लगा है वो जाके अपना चश्मा बनवाओ और ड्रग्स करना छोड़ दो प्लीज धोनी नहीं धोबी क्या शॉट मारा है तेरी क्या आपको क्या लगा मैं चले जाऊं और आपको क्या लगा मैं अरे नहीं लग रहा भाई कौन इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा दे रहा और ये मान भी ले रहे अंधे को भी जड़ेजा ना लगे हमारे पास बजट नहीं होता तो हम फेक सलमान और सस्ता कोहली लाते हैं तुमको असली ले आओ प्यूमा छोड़ के उपमा दिखा रहे हो और एमएस धोनी के तो हर मीम पे ऐड बना दिया सही में जा दिया भाई ये क्या हो रहा है जो कोयल ये क्या हो रहा है अरे साइकिलिंग का उनसे उस टाइप भी करवा देता था अब नेक्स्ट बस सचिन बाइक चलाते हुए बोल दे अरे भैया बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट दे आप पूरी रात प्रैक्टिस कर रहे थे क्या मैं बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं संगीत के लिए प्रैक्टिस कर रहा था वो तो दिख रहा था यार ऐसे ही सबको लगता है हार्दिक सीरियस नहीं है ऊपर से एड में भी मैच की नहीं संगीत की प्रैक्टिस सारे रोल काम चोरी वाले क्रिकेट खेलते हुए दिखाते भी है तो चड्डी में कैसे सुधरेगी इमेज भाई ये क्या है मैं और मेरे दोस्त इन बॉयज वॉशरूम एक शेकर वो लोग जिनके टंकी में पानी होता ही नहीं पहले ही खत्म वो जो अपने से ज्यादा दूसरों का देखते हैं और एक वो जो बुला बुला के अपनी बकलोली दिखाता है और हाथ कोई भी नहीं धोता और एक एड जो बार बार आ जाता है बिना लॉजिक के जो एड आ जाए ना तो लोग मैच तक छोड़ दे किसे भेजे मिशन पे दोनों ऑफिसर्स वेल ट्रेंड है सवाल वेल ट्रेंड का नहीं चंद्रकांत भरोसे का है सालों से इंडिया के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स पार्ले की चीज लेंगे मोनाको क्रैक चैक शाबाश क्या मोनाको बिस्किट रख दे बॉर्डर पे क्रैक चैक अभी टेररिस्ट होते हैं टॉमी नहीं जो बिस्कुट खा के खुश हो जाएंगे वो हम पे ग्रेनेड फेंक रहे और हम क्रैक जैक ये लो बिस्किट खा बेटा वॉर का एमओ कहां से आ रहा है रामू किराना स्टोर से हमला हो रहा है मैं अटैक करने को रेडी हूँ हथियार रेडी मैं पार्ले कितनी पैकेजिंग दे रहा हूँ कौन मार रहा है ये ले ये ले, ये ले, ये ले। भाई बहुत कम शादी में फूल डालने वाला ज़्यादा लग रहा हूँ यार ये क्या है? ये आवाज सही है यार। So that's it for today guys. अगर आप नहीं चाहते कि कोई प्लेयर आपके बाथरूम में घुस के आपके टॉयलेट का रिव्यू करे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चला आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतने। कैसा लगेगा भाई फ्रेश हक्के निकले हो और उस बाथरूम में कोहली सर जा रहे हैं फिर रिव्यू लेने टॉयलेट का मोड का ओ यार ये तो काफ़ी गुस्से में थे आज दोनों यार क्या उन्होंने उतारी है बाकी बिल्कुल यार एक जापी आईपीएल हो या पीएसएल हो या अमन हमारा पीएसएल होता है ना तो वो बेचारे प्लेयर ऐसे ऐसे रिव्यू दे रहे होते हैं ऐसे ऐसे ऐड दे रहे होते हैं क्योंकि यही एक जितनी भी कंपनीज हैं जितनी भी वो ब्रांड है ना उनके पास एक सुनहरी मौका होता है कि एक प्लेयरों को घेरने का वो फिर बुला लेते हैं सबसे ज़्यादा कभी कोई गद्दे का कोई वाशरूम का कोई पानी का कोई किसी चीज़ का हर चीज़ का ना यार इन्होंने ऐड देना होता है लेकिन जो नाचना होता है ना ये फिक्स है यार हर एक प्लेयर ने ना नाच के जरूर दिखाना बल्ले 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 वाकई सही यार वीडियो काफ़ी भाई ने ना कमाल की बनाई है लेकिन ये जो सही है जो एड्स वगैरह होते हैं ना इस पर काफ़ी मेहनत लगती है मेहनत क्या यार मोटा माल मिलता है प्लेयरों को लेकिन आगे से मतलब के जो एड्स देते हैं ना वो प्लेयर भी काफ़ी लीजेंट होते हैं अब विराट कोहली वो कैसे बेच रहा था वो सही था उसका
लेकिन जो सबसे ज्यादा एक मतलब के एक ऐड है ना जो मेंशन में रहता है वो ये गुटके वाला है। गुटके पर बहुत तनकीद होती है, यकीन करें। आज तो क्रिस गेल का भी देखा है कि वो भी गुटका मतलब के वो भी गुटके का ऐड दे रहा है, और ऊपर से भाई ने सही बोला कि ये वेस्ट इंडीज में जाकर बोलेगा कि ये कैचअप है और ये खा लो, और ये और ये एक रियलिटी भी है। मुझे लगता है कि क्रिस गेल इस दफा ना ले गया वो गुटका का थोड़ा सा ना एक पान मसाला गुटका, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम इस दफा नेपाल से हार गई है। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही गुटका खाया है सीरियसली, तो इसलिए। लेकिन स्वाग भाई का तो मुझे लगता है खुद का वो है सारा मतलब के अच्छा गुटके का कारोबार। हाँ कारोबार नहीं, लेकिन ये कि भाई आप देख लो, नहीं असल में ये मजबूरी होती है। अब जो भी इस तरह के इवेंट है वो चलते एड बेस के ऊपर ही है। लेकिन ये कि हाँ, लेकिन ये कि यार ये सबसे जो एक आप उसको क्या आप कह सकते हैं, लेकिन कि ये जो वॉशरूम में यार लेके जाते हैं ना प्लेयरों को ये थोड़ा सी जो रिव्यू ले रहे होते हैं अभी इधर आया भाई वो सीन सही होता नहीं, वो वाकई सीन काफी था। लेकिन वो अजय के साथ जो था मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का भाई है, सेम टू सेम उसकी भाई शक्ल अजय जैसी है यार। और भाई ने सही बोला कि नेक्स्ट वो ही ऐड देखा एक मतलब के गुटके का। लेकिन वो जो मतलब के एक प्लेयर खरीदे थे ना वो धोनी वाला सीन, हाँ वो सही था यार। अब देखें वो सारे के और धोनी दोनों, पहले हम भी यही देख रहे थे कि जब शॉट भी लगाई थी बिल्कुल नहीं, पीछे से तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई कोहली साहब नहीं धोनी साहब आ गए हैं। लेकिन जब फ्रंट भाई ने शो किया ना तब थोड़ा सा एक लग रहा था कि ये कोई भाई मतलब के वो जैसे उन्होंने खरीदे थे ना विराट कोहली और वो क्या यार एक साथ और था वो उसको मतलब के खरीदा था, हाँ वो सही था सारे बिल्कुल वो अच्छा था। हाँ लेकिन ये कि यार देखो ना इस तरह के ऐड इतने कोई हरज नहीं होता क्योंकि फॉरेन प्लेयर होते हैं उन्होंने फिर आपने उनको लोग फिर ज्यादा शौक से भी देखते हैं क्योंकि उन्होंने जो एक्टिविटी करनी होती है वो काफी अब जो है ना वो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें वो एक शॉकिंग हुए हैं ये देख के कि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार नहीं सिखाना तो पड़ता है पहले। लेकिन इस दफा ना थोड़ा सा एक वार्नर थोड़ा सा स्लो है, जैसे उसमें है ना थोड़ा से एक गैटर्स है हर चीज के वो थोड़ा सा इस दफा स्लो है, नहीं तो हर दफा वो ही मतलब के एक मेंशन में जरूर रहता है एक मतलब के मींस में आ जाता है सारा कुछ कॉमन है ना। इस दफा मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो स्लो चल रहा है एक ना स्कोर नहीं उससे बने जा रहे तो इसलिए बोला है कि यार तनकीद ना हो जाए रन बनाए अच्छा तो कोई आए। लेकिन ये कि अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।